वेल दोस्तों तो आज हम जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड रिकवरी तो बेटा डिमांड एंड रिकवरी का जो चार्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिंक दिया हुआ है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक दिया है तो आपने जरूर देख लेना तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ओ की डिमांड एंड रिकवरी जो है यहाँ पे चार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओके और, और रियली आप चार्ट एंजॉय करोगे बेटा मैंने बहुत एफर्ट्स लिए ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए बनाने के लिए और एक पेज में पूरा डिमांड एंड रिकवरी विथ ऑल एस्पेक्ट्स आपका कवर होगा तो चलिए बेटा यहाँ पे चालू करते हैं रिविजन ऑन डिमांड एंड रिकवरी चलिए देखिए हाँ आ, ये चार्ट पे आने के पहले मैं थोड़ा एक मिनट रिव्यू कर लेता हूँ पहला वाला डिस्कशन जो हमने लास्ट रिव, हमारे रिविजन सीरीज़ में ये रिवीजन डाला था असेसमेंट ऑडिट सर्च एंड सीजर ओके तो दो मिनट में बता देता हूँ जैसे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी और आपने असेसमेंट ऑडिट और एक्सेस किया होगा या आपकी इन्वेस्टिगेटिव पावर होगी तो ऐसे सिचुएशन में अगर स्क्रुटिनी असेसमेंट हुआ होगा और स्क्रूटिनी असेसमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली होगी तो सेक्शन सेवेंटी थ्री में भी एक्शन ली जा सकती है ओके okay, यानी नहीं यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर दिस सेक्शन ओके टैक्स अंडर दिस सेक्शन किया जाएगा उसके बाद में अगर ऑडिट होता है तो ऑडिट में अगर ऑडिट होता है डिपार्टमेंटल ऑडिट या स्पेशल ऑडिट या स्टेचुटरी ऑडिट और उसमें कोई टैक्स अवॉइडेंस uh, मिलता है या रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आई टी होता है तो सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर की प्रोसीडिंग इनिशिएट uh, की जाएगी या फिर यहाँ पे बेटा कोई इंस्पेक्शन होता है या सर सीजर होता है उसमें टैक्स व्यजन पता चलता है तो सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी मतलब जहाँ पे भी शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट या फिर इरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आई होगा तो सेवेंटी थ्री की प्रोसीडिंग जो है या इनिशिएट की जाएगी तो सेक्शन 73, 74 की प्रोसीडिंग क्या है तो ये देख लेते फटाफट सेक्शन 73, 74 की प्रोसीडिंग क्या है बेटा ओके तो यहाँ पे ये जो प्रोसीडिंग है ओके मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ पहला पहला पार्ट में हम चार केसेस इसमें कवर करेंगे कौन सी ओके okay, पे, यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इरोनियस रिफंड और रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आई मतलब क्या की आपने जो टैक्स दिया ओके okay, आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया कलेक्ट ओके गवर्नमेंट को नहीं दिया या शॉर्ट पेमेंट अब इसमें बेटा एक बात समझ लेना कि आपने कलेक्ट भी कम किया या आपने कस्टमर से लिया नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं दिया ओके okay, तो नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट या रि इरोनियस रिफंड कोई रिफंड दिया गया जीएसटी में बाद में पता चला कि वो इरोनियस रिफंड है या फिर जहां तक देखा जाए तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी से आपने रॉन्गली अवेल किया यूटिलाइज किया तो वो सिचुएशन इसमें कौर होगी सेवेंटी ओके तो यहाँ पे सेक्शन सेवेंटी और सेवेंटी में

ओके okay, कलेक्ट भी शॉर्ट किया और गवर्नमेंट को शॉर्ट पे किया और आपने यहाँ पे कलेक्ट एक्सेस कर लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया ओके okay, तो वो सिचुएशन में सेक्शन 76 में प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी तो चलिए पहले खत्म करते हैं 73 74 की प्रोसीडिंग तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे सेक्शन 73 74 दोनों प्रोसीडिंग में साथ में बताऊंगा आर यू रेडी यस ओके इफ नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट इरोनियस रिफंड या रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आई जो है

2021 वहां से तीन साल तक अदर देन फ्रॉड की केस है तो डिमांड ऑर्डर आपने इशू कर देना चाहिए मतलब 2021 दिसंबर से तीन साल अंदर दिसंबर 2024 तक आपने उसके डिमांड ऑर्डर इशू कर देना चाहिए तो शोकॉज नोटिस जो डिमांड ऑर्डर की लास्ट डेट है उसके एटलीस्ट तीन महीने पहले हो जाना चाहिए मतलब ओके यहां पर तीस सप्टेंबर दो हजार चौबीस तक उसकी शो कॉज नोटिस चले जानी चाहिए ये लास्ट डेट है शो कॉज नोटिस की उसके पहले आप कभी भी दे सकते हो तो ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट थ्री बिफोर होना चाहिए ओके मिस इंटरव्यू मत करना ओके कि भाई डिमांड ऑर्डर और, और नोटिस में तीन महीने का गैप होना चाहिए ऐसा नहीं है ओके ये है कि जो डिमांड ऑर्डर की लास्ट डेट है कमॉन जो डिमांड ऑर्डर की लास्ट डेट है ओके उससे तीन महीना यानी तीस सप्टेम्बर लास्ट डेट होगी हाँ उसके पहले नोटिस और डिमांड ऑर्डर आप कभी भी दे सकते हो तो नौ मतलब दो साल नौ

ओके okay, देखिए सॉरी बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो इसके यहां पे सेक्शन आप सेवेंटी थ्री फाइव जो है ओके वॉलेंट्री पेमेंट यहां पे दिया हुआ है और सेवेंटी फाइव थ्री फाइव में आप वॉलेंट्री पेमेंट कर सकते हो नोटिस अपने आप को बचा सकते हो नोटिस से चलो ये तो था केसेस अदर देन फ्रॉड अब आइए फटाफट यहाँ पे बेटा अगर केसेस फ्रॉड की होगी तो क्या होगा अगर फ्रॉड विलफुल स्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स होगा तो आपके अगेंस्ट में नोटिस आएगी लेकिन यह डिपार्टमेंट जो है इसमें ज्यादा टाइम डिपार्टमेंट को मिलता है मतलब डिपार्टमेंट जो है ओके okay, यहाँ पे आपको नोटिस कितना तो एटलीस्ट सिक्स मंथ्स बिफोर ओके फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ डिमांड ऑर्डर और यहाँ डिमांड ऑर्डर देने के लिए पांच साल तक का टाइम दिया है मतलब आपके एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है यानी अगर हम एनुअल रिटर्न थर्टी दिसंबर डिसंबर दो का पकड़े तो पांच साल मतलब दो तक आपके अगेंस्ट में एक्शन लीस आ सकती है इकतीस दिसंबर दो तक आपके अगेंस्ट में जो है ओके यहाँ पे डिमांड ऑर्डर आ सकती है चलो अच्छी बात हुई यहाँ पे नाउ दूसरी बात बेटा यहाँ पे नोटिस जो है छह महीने पहले अब छ महीने पहले मतलब क्या ओके okay, तो यहाँ पे पर अगर हम यहाँ थर्टी फर्स्ट छ महीने पहले मतलब चार साल छह महीना अब चार साल छह महीना मतलब ओके okay, यहाँ पे पर यस तीस जून 2026 तक 30 जून 2026 तक जो है बेटा ओके आपने नोटिस इश्यू कर देनी चाहिए ओके तो ये कहा गया इन केस ऑफ फ्रॉड जब आप यहां शो कॉज नोटिस फ्रॉड किया होगी तो स्पेसिफाई द टैक्स इंटरेस्ट और आपके ऊपर 100 परसेंट पेनोल्टी लग सकती है पर वो बात अलग है कि पेनॉलॉल्टी में ओके आगे डिस्काउंट्स आपको मिलेगा चलिए फटाफट आ जाइए ओके अब इसमें भी अगर फ्रॉड भी किया होगा तो गवर्नमेंट कहती है डरने की कोई बात नहीं है आपने फ्रॉड भी किया होता तो भी हम वॉलेंट्री पेमेंट का आपको ऑप्शन देते हैं और आपको शो कॉज नोटिस आप वॉलेंट्री पेमेंट करके शो कॉज नोटिस रोक सकते हो

यहाँ पे शो कॉज नोटिस और वॉलेंट्री पेमेंट ओके सेक्शन सेवेंटी में और वॉलेंट्री पेमेंट सेक्शन सेवेंटी में अगर आप प्रॉपरली ध्यान दो तो आपके सब सेक्शंस भी लर्न हो जाएंगे इस चार्ट चार्ट में बड़ा एक्सक्लूसिव है बेटा मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए और जरूर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक और आपने कमेंट भी जरूर देना सो देट बाकी स्टूडेंट देख सके ओके तो नाउ यहाँ पे तो शो कॉज नोटिस आ गई बेटा अब ये जो शो कॉज नोटिस आ रही है इसमें एक पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा वो कौन सा पॉइंट बेटा शो कॉज नोटिस इश्यू कर दी गई लेकिन अब क्या हो गया कुछ लास्ट पीरियड के लिए

तो स्टेटमेंट देके बात को खत्म करेगा चलो बल्ले बल्ले अब नोटिस तो आ आपके अगेंस्ट में अगर सेक्शन नोटिस थ्री होगी तो ऐसे केस में आपको आपको एक और अपॉर्चुनिटी है सुधरना चाहते हो अगर सुधरना चाहते हो तो देखो गवर्नमेंट कहती है हमारी नोटिस आ भी गई होगी तभी तो डरो मत ओके अगर आपकी केस अदर फ्रॉड की है तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो जो नोटिस में दिया है अगर आपने नोटिस में दिया हुआ टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया विद इन थर्टी डेज ऑफ द शो कॉज नोटिस आई रिपीट विद इन थर्टी डेज ऑफ द शो कॉज नोटिस तो सभी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाएगी बस खुश ओके मतलब हम आपके अगेंस्ट में कोई भी इस एक्ट के तहत कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं लेंगे सभी प्रोसीडिंग कंक्लूड चैप्टर क्लोज ओके तो ऐसे केस में यहां पर कंक्लूड मान ली जाएगी लेकिन आपने अगर तीस दिन के अंदर उतना टैक्स और इंटरेस्ट हम पेनल्टी तो मांग ही नहीं रहे अभी अगर अदर देन फ्रॉड की केस है नोटिस भी आ गई तो भी पेनॉल्टी नहीं

पेमेंट मेड विद इन थर्टी डेज तो आपको जो पेनॉल्टी है ओके यहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टैक्स की पेनॉल्टी लगाई जाएगी यानी जो हंड्रेड परसेंट पेनल्टी लगने वाली थी वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही लगेगी इससे अच्छा और क्या है ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट और सभी प्रोसीडिंग तुमने फ्रॉड किया है पर गवर्नमेंट कहती है कि इतनी पेनॉलॉल्टी अगर तुमने पे कर दी तो सभी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर ली जाएगी तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप वॉलेंट्री पे कर देते हो सुनो सुनो अगर आप वॉलेंट्री पे कर देते हो तो पंद्रह परसेंट का ही पेनलॉटी है लेकिन अगर आप शोकॉज नोटिस के तीस दिन में पे करते हो तो पच्चीस परसेंट का पेनॉल्टी दस परसेंट तो बढ़ाया जाएगा क्योंकि आपको पहले सुधरने का टाइम दिया था आप सुधरे नहीं तो अभी अब वापस सुधरने का टाइम देते हैं थोड़ी पेनाल्टी बढ़ा के ओके तो यहां पे आपको पेनल्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट है लेकिन अगर आपने पे नहीं किया नोटिस के तीस दिन में तो ऑफिसर आपके अगेंस्ट में डीओ फाइनल कर देगा चलो भाई डीओ आ गया अब डी आने के बाद क्या ओके डी आने के बाद अगर फ्रॉड का केस हो गया ध्यान सुनिएगा अगर डी आने के बाद फर्द डी कितने दिन में आएगा तो ऑफिसर डिमांड ऑर्डर जो है नोटिस इशू करने के बाद पाँच साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ओके नोटिस इशू करने के बाद पर प्रोवाइडेड दैट नोटिस वैलिड नोटिस है आपने चार साल छह महीने में नोटिस दे दे दी थी तो पांच साल तक वो अपनी डिमांड ऑर्डर फाइल कर देगा लेकिन तीस जून दो 2026 के बाद अगर नोटिस होगी तो वैलिड नोटिस नहीं मानी जाएगी okay, और अभी भी, का केस क्यों ना? अब आने के बाद भी आपको ऑप्शन दे रही है डीओ आने के बाद ऑप्शन क्या दे रही है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुमने तीस दिन में पे कर दिया सुनो 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 अगर तुमने तीस दिन के अंदर पे कर दिया तो गवर्नमेंट कहती है आप पचास पेनल्टी लगा देंगे और पचास

फ्रॉड की केस होगी तो तीन साल के अंदर आपको एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां से तीन साल के अंदर डीओ फाइनल करना पड़ेगा लेकिन नोटिस दो साल नौ महीना ओके उसने टाइम पीरियड में इशू हो चुका है ओके और तीन साल के अंदर डिमांड ऑर्डर फाइनल किया जाएगा उसके बाद में यहां पे जहां तक देखा जाएगा बेटा ओके आप टैक्स इंटरेस्ट और अब पेनॉल्टी लगेगी अदर देन फ्रॉड के केस में वॉलेंट्री में हमने पेनॉल्टी नहीं लगाई शोकाज नोटिस के तीस दिन में दे देते हो तो हमने पेनॉल्टी नहीं लगाई लेकिन बेटा अब ये सिचुएशन में आपके ऊपर पेनॉल्टी लगाई जाएगी कितनी पेनॉल्टी लगाई जाएगी तो टेन ऑफ टैक्स ओके ऑनली टैक्स टेन परसेंट ऑफ टैक्स और

रद्द कर दी जाएगी लेकिन सेक्शन वन थर्टी था, था, टू शाल नॉट इंक्लूड द प्रोसीडिंग ऑफ वन थर्टी टू वन थर्टी टू की एक्शन रद्द नहीं किया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के के लिए इंपॉर्टेंट है मतलब अंडर में अरेस्ट और होगा यानी आपका अमाउंट अगर एक करोड़ दो करोड़ के ऊपर होगा और आपने वो ऑफेंसेस किए तो अरेस्ट हो सकती है आई रिपीट अरेस्ट हो सकती है इंप्रिजनमेंट हो सकता है आपको ओके okay, यहां पे सजा हो सकती है अंदर जा सकते हो ओके okay, बाकी प्रोसीडिंग इंक्लूड होगी पर वन थर्टी टू की उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है कि अगर ओके जो मेन इन बंदा था जो मेल कल, कल्प्रिट था रजिस्टर कंक्लूड कर दी क्यों क्योंकि उसने ऑप्शन ले लिया तीस दिन में पे करने का और सभी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी तो उसके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व है ड्राइवर इन्वॉल्व है वेहराउस कीपर इन्वॉल्व है बायर इन्वॉल्व है जितने भी लोग उसके साथ इन्वॉल्व है जिसके अगेंस्ट में सेक्शन वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थर्टी की पेनल्टी लग सकती थी वो भी कंक्लूड कर दी जाएगी उनके अगेंस्ट में वो भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटी सी केस स्टडी आ सकती है अगर मिल मेन कंप्लिट को बचाया गया तो बाकी सबको भी बचा दिया

ऑपरेशन ऑफ फैक्स कहा जाएगा ओके okay, तो ये था बेटा सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर उसके बाद में सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या कहता है एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स मतलब यहां कि आपने कलेक्ट तो पूरा किया ओके okay, कस्टमर से अपने इनवॉइस में लेकिन गवर्नमेंट को कम पे किया तो उसको कहते हैं okay, क्या कहता है, कहता है कि एवरी पर्सन कलेक्टेड एज अ टैक्स जिसने एज अ टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया okay, तो वो सिचुएशन में इमीजिएटली okay, उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो सेड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करे

नोटिस कर देगा चलो अच्छी बात है बेटा चलो आगे बढ़ते डिमांड ऑर्डर शोकॉज नोटिस के बाद आपका जो रिप्रेजेंटेशन सुने जाएंगे और, और कि कि इंटरेस्ट के साथ डिपार्टमेंट लेगा मतलब वो जो भी सेक्शन का इंटरेस्ट है लागू होगी उतना इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट लेगा छोड़ेगा नहीं ओके आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी वो तो आपके राइट्स बनते हैं बेटा okay, ओके उसके बाद में टाइम लिमिट ऑफ इश्यूंस ऑफ ऑर्डर ओके जब भी नोटिस दी गई ओके नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है पर जब भी नोटिस दी गई वहां से एक साल के अंदर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू कर दी जाएगी ओके okay, ऑर्डर का टाइम पीरियड दिया और विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस ओके पीरियड ऑफ स्टे अगर कोर्ट ने कोई स्टे दिया होगा आई रिपीट कोर्ट ने कोई स्टे दिया होगा तो ये एक साल का जो कैलकुलेशन होगा डिमांड ऑर्डर के लिए वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके बाद में ओके ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होनी चाहिए मतलब क्या ओके स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता चाहिए कि सभी रिलेवेंट फैक्ट्स और सभी डिसीजन उसमें कवर होने चाहिए उसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट एडजस्टमेंट अमाउंट मतलब क्या कि आपने टैक्स एक्चुअली बारह से कलेक्ट करना चाहिए था पर आपने एक्सेस कलेक्ट कर लिया ट्वेंटी एट से कलेक्ट कर लिया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा ट्वेंटी टी में से 12 परसेंट जो है टैक्स में एडजस्ट कर देगा क्योंकि वो तो लीगल टैक्स था तो क्योंकि गवर्नमेंट को 12 परसेंट तो आपको देना ही था तो 28 में से 12 परसेंट एडजस्ट कर देगा और रिमेनिंग जो बचा गया बेटा वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देगा ओके या फिर रिफंडेड टू तो दोज पर्सन हु बॉन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब गवर्नमेंट भी खुद नहीं रखेगी पैसा जो भी आपने एक्सेस कलेक्ट किया पब्लिक से ओके तो बारह निकाल के बाकी जो भी होगा वो गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देगी या फिर ओके रिफंड कर देगी हु बॉन द बर्डन ऑफ टैक्स और रिफंड ओके okay, वो मैंने कहा कि जिसने गवर्नमेंट ओके okay, वो बंदा भी रिफंड क्लेम कर सकता है जिसने टैक्स बर्डन लिया हो ओके okay, तो ये हमने प्रोसीडिंग देखा रिगार्डिंग टू यहां पे बेटा सेक्शन 73, 74 एंड सेक्शन 76 बेटा इसके बाद जो है यहां पे Uh, जैसे इसकी प्रिंट आउट आपको ए थ्री पेजेस पे दो लेनी पड़ेगी फर्स्ट पार्ट पार्टी आएगा ए थ्री पेजेस पे और नीचे ओके सेकंड पार्ट ए थ्री पेजेस पे ही आएगा तो इसी चार्ट को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और यहां पे बेटा सेक्शन सेवेंटी थ्री अलेवन मतलब सेवनटी थ्री अलेवन क्या कहता है उससे रिलेटेड सर्कुलर क्या कहता है ये फटाफट समझ लीजिएगा सेवेंटी थ्री अलेवन ये कहता है यहां पे कि अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स होगा आपका सेल्फ असेस टैक्स होगा और आपने ड्यू डेट से तीस दिन के अंदर पे नहीं किया तो वो सिचुएशन में आपको पेनोल्टी लग रहेगी मतलब कितनी पेनॉल्टी टेन परसेंट ऑफ टैक्स और टेन थाउजेंड इज हायर यानी ये मैंडेटरी पेनोल्टी है ओके आई रिपीट पहली बात तो सेल्फ असेस टैक्स होना चाहिए और दूसरी बात ड्यू दू डेट के अंदर ड्यू डेट से तीस दिन के अंदर पे नहीं किया गया तो आपको ये पेनल्टी लगेगी ओके okay, आपको कोई भी बेनिफिट जो सेक्शन सेवेंटी थ्री फाइन है वॉलंट्री पेमेंट के दिए गए हैं या फिर यहाँ पे जो आपको शोकॉज नोटिस के बाद विदिन थर्टी डेज का पेमेंट का बेनिफिट दिया गया वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा पर उसके बाद में एक सर्क्युलर आया बेटा और इस सर्क्यूलर के बेस पे क्लैरिफिकेशन में फटाफट एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ सर्कुलर के हिसाब से क्या हुआ ओके okay, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है पूरा सिचुएशन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, okay, तो किया है और एक okay, मतलब आपने फाइल किया पर उसका रिटर्न नहीं किया है टैक्स okay, आप, नहीं दिया है तो देखो सेल्फ असेस टैक्स बट नॉट पेड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द ड्यू डेट इसमें दो पार्ट किया है और कौन सा पहला तो यह, यहां जीएसटी आर थ्री बी इज फाइल थर्टी डेज ओके बट ऑफ ड्यू डेट बट बिफोर शो कॉज नोटिस तो

थ्री लगेगा कब इस सर्कुलर के हिसाब से अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स होगा ओके और सेकेंड पार्ट देखो आपका सेल्फ परसेस टैक्स होगा और आपने 30 दिन के अंदर ध्यान से सुनिएगा 30 दिन के अंदर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया थ्री भी फाइल नहीं किया और पेमेंट भी नहीं किया और आपके अगेंस्ट में नोटिस आ गई 30 दिन बाद नोटिस आ गई पेमेंट के पहले अगर नोटिस के पहले आप पे कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं पर ओके okay, यहां पर समझने आया कि अगर आपको तीस दिन हो गए और तीस दिन के बाद बेटा आपको जो है ओके okay, नोटिस आ गई और अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर सेवेंटी थ्री लग जाएगा और सेवेंटी थ्री के हिसाब से टेन ऑफ टैक्स और टेन ओके okay, वो आपके सेल्फ असेस टैक्स पे लग जाएगा उस, उसके बाद में नेक्स्ट ओके टैक्स इज नॉट सेल्फ असेस ओके अब मतलब समझ लो आपका सेल्फ असेस टैक्स नहीं था शॉर्ट पेमेंट हुआ आपने असेस भी भी नहीं किया, में भी नहीं किया में बताया कुछ नहीं और बाद में आपके अगेंस्ट में केस लग गई की तो 73 के अगर आपके अगेंस्ट में केस लग गई तो वो सिचुएशन में आप वॉलेंट्री पेमेंट देकर पेनॉल्टी बचा सकते हो अगर केस अदर देन फ्रॉड होगा तो और अगर आपने नोटिस के तीस दिन में भी दिया तो भी आप ओके okay, यहां पे पेनॉल्टी बचा सकते हो सी दिस आयरनी ये बड़ा अजीब बात है आपने खुद असेस करके दिया आपने खुद असेस करके दिया और ड्यू डेट के तीस दिन के अंदर आपने पे नहीं किया पर उसके बाद में आपने रिटर्न भी दिया और पे भी किया नोटिस आने के पहले तो बच जाओगे लेकिन आपने सेल्फ असेस कर दिया और ड्यू डेट की तीस दिन के अंदर पे नहीं किया और बाद में भी आपने पे नहीं किया और नोटिस आ गई नोटिस आ गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी यानी अगर हम दिखाए तो आपको ऊपर पेनल्टी लग सकती है लेकिन अगर आपने सेल्फ असेस नहीं किया ऑफिसर ने सेवनटी की नोटिस दी इन और सेवनटी थ्री नोटिस देखे ओके उस, उसने ट्रेस किया तो हमें अदर देन फ्रॉड के केस में ये ऑप्शन नॉन पेनॉल्टी की मिल जाएगी तो ये पॉइंट आपने बराबर ध्यान रखना है ओके okay, तो ये एक डिस्कशन था बेटा जो हमने यहां पे किया है ठीक है तो सो uh, so दोस्तों आज का डिस्कशन जो है हम यहां तक रुकेंगे ओके डिमांड एंड रिकवरी का पार्ट टू आएगा और पार्ट टू में आगे का डिस्कशन ओके अराउंड वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स रहेगा ओके okay, तो बाकी सब सेक्शन सेवेंटी फाइव और अदर सेक्शन में फटाफट उसमें डिस्कस कर लूंगा ओके सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन सेशन में ओके ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना नेक्स्ट रिविजन सेशन में जो इमीजिएट मैं कल ही अपलोड कर दूंगा ओके okay, और इस तरह से ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे तो अगर आपको ये रिविजन अच्छी लगी होगी तो मैं बस ये कहूंगा कि लाइक कर, कर दो बेटा ओके okay, मेरे लिए नहीं ओके okay, किसी और को बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि आपके कमेंट्स आपकी कमेंट्स और आपके लाइक पे ओके अदर स्टूडेंट्स भी देखेंगे और डेफिनेटली उनको बेनिफिट होना चाहिए ओके okay, और आप यह बेनिफिट जरूर पास ऑन कर दो बेटा थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू